दोस्तों रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना और बगल में लगी घंटी को बजाना मत भूलिएगा। दोस्तों इन सर्दियों के मौसम में अगर आपको खांसी हो गई है और आप बहुत सारी दवाइयाँ लेके परेशान हो चुके हैं तो मैं आज के वीडियो में एक ऐसा देसी घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% खांसी में आराम मिल जाएगा। मैं 100% इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बचपन से ये नुस्खा ट्राई करती आ रही हूँ। जी हाँ, मेरे पापा ने पापा जब मैं छोटी थी तो जब मुझे खांसी होती थी तो मेरे पापा यही देते थे और मैं आज भी इसी का इस्तेमाल करती हूँ। दोस्तों बस इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको किचन में ही जाना है, आपको किचन में ही आसानी से मिल जाएगा। बस आपको चाहिए 2 बतासे। जी हाँ, आपको 2 छोटे बतासे लेने हैं। आपने देखा होगा ये मीठे मीठे बतासे, और 2 लेनी है काली मिर्च। या कड़वी कड़वी काली मिर्च, ये जो नुस्खा है इसमें आपको कड़वापन भी आएगा और मीठापन भी आएगा, बहुत ही मीठा मीठा सा। तो ये जो काली मिर्च होगी बहुत कड़वी होगी, इसको आप खाएंगे तो ये जो बतासे हैं इसकी मिठास से वो कड़वापन कम हो जाएगा। और आपको बता दें, जब आप इसका सेवन करोगे तो आपके गले में एक गर्माहट पैदा होगी, उसी गर्माहट से आपकी खांसी खत्म होने वाली है। जी हाँ, लेकिन आप इसका इसका उपयोग कैसे करना है? इसका उपयोग आपको रात में सोने से पहले करना है। जी आपको बतासे और काली मिर्च को एक साथ खाना है सोने से पहले, और इसके बाद ना ही आपको बोलना है और ना ही आपको पानी पीना है। जी आपको ना बोलना है ना आपको पानी पीना है, बस चुपचाप सो जाना है। आप इसको खाने के बाद आप चुपचाप सो जाओगे तो जो बताशे और काली मिर्च की जो गर्माहट होगी वो आपके गले को ठीक कर देगी। जी आपको एक रात में ही आराम मिल जाएगा, और अगर आपको इस फिर भी आराम ना मिले तो दूसरी रात में भी आप इसको ले सकते हैं। हो सकता है कि आपकी खांसी बहुत ज़्यादा हो, आपको काली खांसी होगी तो आपको 2 दिन लेना पड़ेगा। दोस्तों ये जो नुस्खा है इसे ज़रूर ट्राई करेगा। आपको पता है ना कि काली मिर्च में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं और आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, काली मिर्च में बहुत सारे औषधीय तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और ये खांसी जुकाम बुखार जैसे रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। और इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं जो इस खांसी वगैरह जो इन्फेक्शन से पैदा होती है उसे खत्म करती है। दोस्तों इसी तरह के इंपॉर्टेंस वीडियो मैं आप लोग के लिए लाती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बगल में लगी घंटी को बजा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।